हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टेक मोर में आपका स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा प्लीज़, और साथ में बेल आइकन ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी ब्राउजर को अपने स्क्रीन में ओपन कर लेना है। कोई भी गूगल या गूगल को ओपन कर लीजिए, मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉस वेट लेगा, सॉरी, यहाँ पर सर्च बार पाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा एक बार सिंपली, और यहाँ पर आपको लिखना है जीमेल, सॉरी क्या सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना है जीमेल। यहाँ पे लिख जीमेल क्रिएट कर देख लिखा आ रहा है, वहाँ आपको सिंपली वही लिख के सर्च कर लेना है। एक बार सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, देख लीजिए। सबसे पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखा रहा है जीमेल एंड अकाउंट, जीमेल हैव गूगल सपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार सिंपली आपको क्लिक कर लेना है, और कुछ लोड लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको आपको सिंपली कुछ करना नहीं, ये रेट का ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीमेल एंड अकाउंट का ऑप्शन है, सिंपली आपको वहाँ से एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं जितना भी ऊपर मेरा जीमेल बना हुआ है सारा मेरा शो कर दे रहा है। तो आपको करना है एड अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है आप देख सकते हैं, प्लस का ऑप्शन है उस पर एड अकाउंट है, उस पर आपको एक बार सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ लोड लेगा थोड़ा सा टाइम के लिए, तब तक वीडियो लोड लेने के बाद इस तरह से इंटरफेस आए। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ जीमेल एंड फोन का ऑप्शन है, आपको पहले से जीमेल बना हुआ है, यहाँ पे आप डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप जीमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में आप कॉर्नर देख सकते हैं, यहाँ मैम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई सेल्फ में आपको यूज लेना चाहते हैं या बिजनेस के लिए यूज लेना चाहते हैं, मैं सिंपली आपको मैं माई सेल्फ में लेना चाहता हूँ डेमो के लिए, तो मैं माई सेल्फ पे क्लिक कर लेता हूँ। लोडिंग बाद इस तरह से इंटरफेस है, यहाँ पे मैं कुछ भी अपने हिसाब से नाम डाल देता हूँ, कुछ भी अपने हिसाब से जो आपने सोच के रखा है आप डाल दीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, ये राइट साइड में देख सकते हैं, तो आपको वहीं पे आपको क्लिक कर लेना है। एक बार सिंपली कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, लॉड होने के बाद आप कहते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिएगा जो आपके पास नंबर होगा। सिंपली मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मेरा नंबर, इसलिए वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर लूँ, और जी मैं अपना नंबर देने के बाद यहाँ पे ओटीपी है, ओटीपी वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद ये हो सकता है आपके मोबाइल में ये नंबर देने का ऑप्शन ना आया होगा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे उसके बाद डायरेक्ट यहाँ ये जो इंटरफेस आए ये आपके पास स्क्रीन में आ जाएगा। सिंपली आपको करना है यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थडे अपना जो भी है वो डाल दीजिएगा, सिंपल, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी हो अपना डाल दीजिएगा। कोई भी आगे पीछे इसमें कोई जरूरत नहीं है, वही डालना जो मेरा है, कोई जितना भी आप डाल सकते हैं आगे पीछे से, कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं दो ऑलरेडी पहले से जीमेल सेलेक्ट करके गूगल ने दे दिया है। सिंपली आपको आपका जो माइंड में होगा आप सोच के रखें मुझे कोई और जीमेल अपने हिसाब से बनाना है, तो आपको यहाँ थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है आपको उसमें आपको क्लिक कर लेना है, और देख सकते हैं यहाँ पे अपना नाम जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे टैप पर क्लिक करके वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट बटन दबा देने के बाद आपको यह भी ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात की जरूरत नहीं। और यहाँ पे आपको करना क्या है, पासवर्ड डाल देना है, और ध्यान रखिएगा जो नीचे डालिएगा वही ऊपर डालिएगा, वही नीचे डालिएगा, मतलब खुरा फिर एक ही बात है कि पासवर्ड जो डालिएगा दोनों सेम रहना चाहिए। तो मैं वीडियो को पोस्ट कर देख सकते हैं, मैं ऊपर और दोनों नीचे दोनों जगह पे सेम पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद सिंपली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद सिंपली ये मेरा जीमेल बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आई एम इन पे, यस आई एम इन पे क्लिक कर सकते हैं, तो फिर स्किप का ऑप्शन है, राइट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल स्किप बटन पे ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद ये मेरा जीमेल बनके रेडी हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके तुम करना क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट बटन है डाल दीजिएगा सिंपल, और ये मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो चुका है। आई एम अग्री पे क्लिक कर देना है, टर्म एंड कंडीशन जो भी पढ़ लेना उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा जीमेल जो बन चुका है। तो आंसर करना है इस वीडियो को आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के ऊपर जो बेल आइकन है उस पर और पे क्लिक कीजिएगा, और एक कमेंट कीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम आया हो या तो फिर बनाने में आया हो या नहीं आया हो, और जिस पे आप मुझे सजेशन दीजिए कि क्या क्या मैं और वीडियो आगे बना सकता हूँ, आगे मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं जरूर कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगा। चलिए इस वीडियो के लिए